असलिपियस वेलनेस प्राइवेट के डायमंड लीडर अविनाश कुमार गुप्ता जी ने बदली एक और जिंदगी। अविनाश जी के साथ लगभग 3 साल पहले काम की शुरुआत अंकुर कुमार गुप्ता जी ने साइकिल से की थी। आज MG हेक्टर 22 लाख की कार ली है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में लॉकडाउन में कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। खुशी का ये पल देखकर शोरूम में मौजूद सभी असलिपियस के साथ ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी असलिपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले लोग लगातार जिंदगी बदल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस में MG हेक्टर शोरूम ये दृश्य और मनमोहक तब हो गया जब ब्लू डायमंड ज्ञानेन्द्र शर्मा अपनी जगुआर से वहां पहुंचे और अंकुर कुमार गुप्ता जी के इस खुशी में अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आदित्य सिंह, अविनाश कुमार गुप्ता, शाहनवाज खान के साथ असलिपियस के कई साथी मौजूद रहे। मतलब किया पता नहीं, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा धमाका है ये हम सब के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट 7-8 महीने पहले ही अंकुर जी ने बलोनो गाड़ी लिया था। जस्ट अभी MG हेक्टर 22 लाख की गाड़ी आ चुकी है और ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विदिन 1 महीने के बाद मर्सिडीज भी हमारे बीच में आने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अविश्वसनीय है लोगों के लिए। शायद लोगों को लिए ये लग रहा, आज 60 लाख का चेक आया, आज कई सारे लोगों को तो ये लग रहा होगा कि यार झूठ बोल रहे हैं। तो जो 60 लाख का चेक आया, अगर हमारे गुरुजी का आया है, तो ये चीज आप देख के विश्वास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सारे लोगों का, और सबसे पहले मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माँ बाप को, अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को। और यदि मैं आज मैं बोलता तो अक्सर हूँ, लेकिन मैं आज काफी भावुक हूँ। और बस ये बताना चाहूंगा कि यहाँ तक का सफर 3.5 साल में कैसे बीता, कैसा नहीं बीता, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अचीवमेंट आपके सामने है। दोस्तों आज से 3.5 साल पहले असलिपियस वेलनेस की शुरुआत हुई थी। बहुत सारी तकलीफें थी जो कि शॉर्ट में नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के सामने अगर प्रॉब्लम्स कभी अगर आए तो कभी घबराना नहीं। बस यही उम्मीद रखना कि अगर कहीं ना कहीं अगर बुरा वक्त है तो वो तभी तक रहेगा जब तक उसका वक्त है, और हर इंसान का वक्त होता है, और कहीं ना कहीं वक्त कभी ना कभी बदलता भी जरूर है। तो मेरा भी बदला, एक समय था जब मैंने साइकिल से इस बिजनेस को शुरुआत किया था, और आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों आज चमचमाती हुई गाड़ी अगर आ पाई है तो गुरुजी लोगों की वजह से आ पाई है। और सबसे बड़ा अगर मैं बोल सकूं तो दोस्त, अगर मैं शुक्रगुजार हूं तो अपने सारे सीनियर्स का, अविनाश सर का जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू कराया, आदित्य सर का जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना सिखाया, ज्ञानेंद्र सर का जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मेरा साथ दिया और टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे गाइड किया, विकास सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आज तो महसूस वही दिन हो गया जब हम लोग ने पहली गाड़ी ली थी कानपुर में, आज से लगभग 2 साल पहले 2018 में जब हम लोग पहली गाड़ी लिए थे, तो उस समय जो फीलिंग थी वही फीलिंग आज है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार जो है एक जिस एरिया है, जिस क्लास के हम लोग हैं, मिडिल क्लास जो चल रहा है, लोअर क्लास चल रहा है, कार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जब मेरा घर बना था ना तो मेरे पिताजी ने भी सोचा होता कार आएगी तो पहले बड़ा गेट लगा होता, गेट बाद में लगा है ना, तो इसे ये कंफर्म होता है कि मैक्सिमम लोगों के घरों में जिनके छोटे गेट लगे हैं वो ये डिनोट करते हैं कि उन्होंने कार के लिए भी सोचा नहीं था। लेकिन यहां तक मैं पहुंचा इसका पूरा श्रेय मैं अपने सभी गुरु जी लोगों को दूंगा। हमारे आदित्य सर है जिन्होंने गाजीपुर में मेरे बीच रहने के बावजूद भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था BHU में, तो सर आए गाजीपुर मेरा बिजनेस को डेवलप किए, मैं आज इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस जगह पे हूँ। ज्ञानेंद्र सर हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, बड़े भाई की तरह, पिता की तरह सर का हमें सपोर्ट रहता है।